हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। मैं हूं रवीश और एनएन स्पोर्ट्स में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब से महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से दूर हैं, तब से खिलाड़ी ने खुद को टीम इंडिया में साबित किया है। हम बात कर रहे हैं लोकेश राहुल की, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर महेंद्र सिंह धोनी ने लोकेश राहुल को वो कौन सा गिफ्ट दिया था जिसे लोकेश राहुल आज भी याद करते हैं। ये पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक करें, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं लोकेश राहुल की, बात करते हैं एमएस धोनी ने उन्हें क्या गिफ्ट दिया था। राहुल का अब तक का प्रदर्शन उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाता है। वो वैसे तो विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, लेकिन अब जबकि टीम को जरूरत है तो उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है और इसे भी राहुल बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन क्या राहुल और धोनी में इतना ही रिश्ता है या कुछ और भी है? दरअसल केएल राहुल के जीवन का सबसे खास पल भी धोनी ही लेकर आए थे। केएल राहुल ने उस पल का जिक्र किया जो उनके जीवन के लिए एक बेहतरीन पल था, और उनके जीवन में यह पल आया था महेंद्र सिंह धोनी की वजह से। केएल राहुल ने अपने ट्विटर पर सवाल जवाब के एक सत्र के दौरान कहा कि वो विकेट कीपिंग का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिसंबर 2014 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले लोकेश राहुल ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी से टेस्ट कैप हासिल करना विशेष एहसास था। उन्होंने कहा, मेरे लिए स्पेशल और भावनात्मक क्षण था। केएल राहुल ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें उस सीरीज में खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन धोनी से कैप हासिल करना खास था। आपको एक मजेदार बात और बताते हैं कि केएल राहुल ने अपना पहला टेस्ट मैच दिसंबर 2014 में खेला था, और तब के कप्तान एमएस धोनी ने उन्हें टेस्ट कैप दी थी। ये मैच केएल राहुल के लिए तो खास था ही, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टेस्ट धोनी के लिए क्यों खास था? ये मैच धोनी के लिए आखिरी टेस्ट था। इसी टेस्ट के बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। तो धोनी ने जहां से खत्म किया है, लोकेश राहुल उसको वहीं से आगे बढ़ा रहे हैं। लोकेश राहुल ने उस काम को बखूबी अंजाम भी दिया है। हालांकि बीच में कुछ और खिलाड़ी भी आए, लेकिन लोकेश राहुल उस पोजीशन पर फिट बैठते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ कहा लोकेश राहुल ने, वो भी आपको बताते हैं। केएल राहुल ने कहा कि आईपीएल 2016 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी की तरफ से खेलना उनके करियर के लिए अहम रहा। उन्होंने कहा कि आरसीबी के साथ 2016 का सीजन था जो मेरे करियर के लिए अहम साबित हुआ, क्योंकि लोगों ने लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में मेरी क्षमता देखी। आरसीबी की तरफ से क्रिस गेल के साथ ड्रेसिंग रूम साझा कर चुके केएल राहुल ने कहा कि ये कैरेबियाई बल्लेबाज स्मार्ट क्रिकेटर है। उन्होंने कहा, बल्लेबाजी जोड़ीदार के रूप में वो लाजवाब है। मैं क्रिस गेल से पहली बार तब मिला जब मैं आरसीबी में था। क्रिस के साथ मेरी सबसे अच्छी बातचीत क्रीज पर होती थी। वो स्मार्ट क्रिकेटर है और अपने खेल की योजना बनाता है। उसका टीम में होना शानदार था और वो यहां तक कि युवाओं के साथ भी दोस्ताना रवैया रखता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर वो कौन सा गेंदबाज है जिसके सामने विकेट कीपिंग करते हुए लोकेश राहुल को दिक्कत आती है। अब तक भारत की तरफ से 36 टेस्ट, 32 वनडे और 42 टी20 मैच खेल चुके राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की घरेलू सीरीज में विकेट कीपिंग का जिम्मा संभाला, और फिर न्यूजीलैंड दौरे में भी ये भूमिका निभाई। विकेट कीपिंग उनकी मुख्य भूमिका नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से केएल राहुल ने लिमिटेड ओवर के फॉर्मेट में इसका भरपूर लुत्फ उठाना शुरू कर दिया है। केएल राहुल ने यह भी बताया कि उनकी नजर में जसप्रीत बुमराह के सामने विकेट के पीछे खड़े होना सबसे मुश्किल है। तो आज हमने आपको लोकेश राहुल के बारे में बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं।